सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रमुख सूक्तियों के विषय में पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम अगली वीडियो में श्लोक के विषय में पढ़ेंगे। श्लोक भी एग्जाम में आते हैं, सूक्तियाँ और श्लोक दोनों आते हैं, तो इसीलिए मैंने दोनों को डिसाइड किया है कि अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम सूक्तियाँ पढ़ेंगे और सभी सूक्तियों का अच्छे से अर्थ समझते हुए जानेंगे, क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर साल इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जो मैंने पहले की वीडियोस पढ़ाई हैं आप लोग को, जो पहले की वीडियोस पढ़ी हुई हैं उनको आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि जो आपका संस्कृत विषय है अगर आपको उसमें अच्छे नंबर लाने हैं तो जिस तरीके से डिटेल में मैंने आप लोग को सभी चैप्टर्स को पढ़ाया है आपको उसी प्रकार सभी चैप्टर्स को पढ़ना होगा। दोस्तों, आप सभी को देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सभी क्लासेस की लिंक मिल जाएगी संस्कृत की। तो पहले से यहाँ आप चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर पहला लिखा हुआ है, महियांसः प्रकृत्या मित भाषिणः। दोस्तों, महियांसः प्रकृत्या मित भाषिणः का मतलब हुआ कि जो सज्जन लोग होते हैं वह स्वभाव से ही क्या होते हैं, मधुरभाषी होते हैं। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव बहुत ही सरल होता है, बहुत ही अच्छा होता है, वो बहुत मधुर बोलते हैं, सबसे बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, तो ये सज्जन लोगों की पहचान होती है। दूसरा है ज्ञानम भारम क्रियाम बिना। ये बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ पर बोली गई है, बहुत ही अच्छी सूक्ति है। ऐसा ज्ञान, उपयोग में ना आने वाला ज्ञान क्या होता है, भार के समान होता है। यानी कि जो ज्ञान हम ले रहे हैं, जो ज्ञान हम सीख रहे हैं, अगर वो किसी काम नहीं आ रहा है हमारे, तो वह क्या है, एक भार के समान ही है। तीसरा है कर्तव्यम हिंसताम वचः, यानी कि सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए। सज्जन पुरुष जो भी कहते हैं वो सही कहते हैं और उनकी बात को हमें मानना चाहिए। इसके बाद चौथे नंबर पर है विभूषणम मौन पंडिता नाम। बहुत ही अच्छी बात कही गई है, मूर्खों का सबसे बड़ा गहना चुप रहना ही है, या मूर्खों का सबसे बड़ा आभूषण चुप रहना ही है। यानी कि जिसे उस विषय में कोई जानकारी नहीं है जिसके विषय में लोग बोल रहे हैं, तो सबसे अच्छा क्या, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चुपचाप उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। फिर पांचवा है समय एवं करोति बला बलम, यानी कि जो समय है, समय ही मनुष्य को सबल और निर्बल बनाता है। तो समय क्या है, आपको पता है समय कितना महत्वपूर्ण है, अगर आज हम मेहनत कर लेंगे तो कल उस मेहनत का फल हमें बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो समय क्या होता है, बहुत बलवान होता है। छठवां है सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात न ब्रुयात सत्यम प्रियम, यानी कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य को नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर दो बातें कही गई हैं, हमें सच बोलना चाहिए और प्रिय अच्छा, यानी कि जो सच हम बोल रहे हैं वो अच्छा भी लगना चाहिए, और अप्रिय सत्य को नहीं बोलना चाहिए। तो हमें जो सत्य भी बोलना चाहिए वह बहुत ही सोच समझ कर बोलना चाहिए, यहाँ पर ये बातें बताई गई हैं। इसके बाद सातवें नंबर पर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। बहुत ही आसान है, हितकारी और प्रिय लगने वाले या मन को अच्छे लगने वाले वचन क्या है, एक साथ बहुत ही दुर्लभ होते हैं। ऐसा वचन कोई बोल रहा है आपको, वो आपको सुनने में भी अच्छा लगे और आपके लिए वह काम का भी हो। यहाँ पर बताया गया, जैसे कि अगर हम बात करें तो एक टीचर है, एक बच्चों को क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और बच्चों को, कुछ बच्चों को वो डांट रहे हैं, तो अभी तो लगेगा उन बच्चों को कि हमें डांट रहे हैं और हमें अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जब लॉन्ग टाइम में जब बच्चे बड़े रहते तो वो सोचते हैं कि जो शिक्षक हमें डांटते थे, हमें समझाते थे, वो वाकई हमारे लिए ही, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे भविष्य के लिए हमें समझाते थे, हमें डांटते थे। तो ये बात बाद में रियलाइज होती है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि हितकारी और प्रिय लगने वाली बात एक साथ संभव नहीं होती है, कि वो काम की भी हो, हमारे काम की भी बात हो और हमें अच्छी भी लगे, ऐसा अक्सर देखने को नहीं मिलता है। आठवां है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है इसीलिए मैं बोल रही हूँ, यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। याद रखिएगा, जहां पर भी नारियों का आदर होता है, सम्मान होता है, वहां पर देवता निवास करते हैं। नौवां है अविवेक परम पदाम पदम, यानी कि अज्ञान समस्त आपत्तियों का आधार है।
अज्ञानता क्या है? समस्त आपत्तियों का आधार है। अगर इंसान के पास ज्ञान रहेगा तो वह कहीं ना कहीं उस ज्ञान से अपने आप को और आगे ले जाएगा और आगे। इसके बाद 10वें नंबर पर है विद्या धर्मेण शोभते, यानी कि विद्या धर्म से ही शोभा देती है। 11 नंबर पर है परोपकाराय सताम विभूतिया, यह भी इंपॉर्टेंट है। सज्जनों की संपदा परोपकार के लिए होती है, या जो सज्जन होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं, वह परोपकार के लिए ही बने होते हैं, दूसरों की सहायता के लिए ही वह जन्म लेते हैं। अब इसके बाद आगे है उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, यानी कि परिश्रम से ही धन की प्राप्ति होती है। धन मतलब यहाँ पर लक्ष्मी कहा गया है, तो परिश्रम से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है या धन की प्राप्ति होती है। 13 नंबर पर है अंगीकृत सुकृतिना परिपालयंती, इसका मतलब क्या हुआ? स्वीकार की हुई बात का सज्जन पुरुष अवश्य पालन करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि अगर जो सज्जन व्यक्ति होता है उसने जो बात कह दी कि हाँ ये मैंने कहा है, और तो वह क्या करेगा, वह उस काम को जरूर करेगा। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि अगर किसी ने कह दिया कि मुझे, मैं ये काम करूंगा, तो जो सज्जन पुरुष होगा वह जरूर करेगा। और आपको भी पता है कि कितने लोग अपनी कही हुई बातों को मानते हैं, इसीलिए यहाँ पर सज्जन पुरुष की बात की गई है, अच्छे व्यक्ति की बात की गई है, क्योंकि अच्छा व्यक्ति अपने बातों से मुकरता नहीं है, वह अपनी बातों को ही क्या करता है, अपने कार्य में परिवर्तित करता है, यानी कि अपने जो उसने बात कही है उसको वह करके दिखाता है। फिर 14 नंबर पर है अति दर्पे हता लंका, यानी कि अत्यधिक गर्व से ही लंका नष्ट हुई थी। आपको पता ही है लंका क्यों नष्ट हुई थी, क्योंकि रावण को अपने बल पर, अपने धन पर बहुत अधिक गर्व हो गया था, या ये कहें कि बहुत अधिक घमंड हो गया था। और आपको पता है कि जब व्यक्ति के अंदर इस तरीके की भावना, अहंकार की भावना आती है, घमंड की भावना आती है, तो जो उसका अंत होता है वो बहुत ही नजदीक होता है। यानी कि आपने देखा कि सोने की लंका क्या होती है, जल जाती है, आपको पता ही है। और रावण का क्या होता है, रावण का वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसके बाद 15 नंबर पर क्या है, बुभुक्षितम किम न करोति पापम। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही गई है कि भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता है। एक बच्चा है, उसे भूख लगी है तो वह किसी के पर्स से पैसे चुरा लेता है या किसी से छीन लेता है। उसे यह नहीं पता है कि ये चीज गलत है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे क्या लगी है, भूख लगी है, और वह अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए क्या कर रहा है, किस किस तरीके के काम कर रहा है। तो जो भूखा व्यक्ति होता है वो कौन सा पाप नहीं करता है, ये बात यहाँ पर कही गई है। 16वें नंबर पर है अर्थ मनर्थम भावय नित्यम, दौलत का नशा अहितकर है। दौलत का नशा क्या है, बहुत ही ज्यादा अहितकर है। रावण को ही आप देख लीजिए, अभी आपने देखा है। 17 नंबर पर है स्वभाव दुरतिक्रमा, यानी कि व्यक्ति का स्वभाव बदलना कठिन होता है, इसीलिए हमेशा अच्छे स्वभाव या अच्छी आदतों को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि एक बार जो आदत बन जाती है वो जल्दी छूटती नहीं है। 18 नंबर पर है कतरा एवं जलपंती यद भाव्यम तद भविष्यति, यानी कि कायर पुरुष ही कहते हैं जो होना होगा वही होगा। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं कहते हैं कि जो मैं चाहूंगा वो होगा। जो व्यक्ति क्या होगा, जो परिश्रम करता होगा, जिसे अपने अपने मेहनत पर विश्वास होगा कि मैं जो चाहूंगा वो होगा। और जो कायर पुरुष होते हैं वो क्या कहते हैं, जो होना होगा होगा, वही होगा, इस तरीके से जो होना होगा वही होगा। यानी कि वो क्या कहते हैं, वो भाग्य पर छोड़ देते हैं, वो करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ही क्या होते हैं, आपको पता है कि जब आप काम नहीं करोगे तो आपको फल कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए जो कायर व्यक्ति होते हैं वो क्या कहते हैं, जो होना होगा वही होगा। लेकिन जो व्यक्ति, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो व्यक्ति साहसी होता है, वीर होता है, वो क्या कहता है, जो हम चाहेंगे वो होगा। 19वें नंबर पर क्या है न्यायात पथम विचलन्ति पदम न धीरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी लाइन कही गई है कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं, वो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और वहीं पर चल करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो सज्जन पुरुष कभी भी न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। इसके बाद 20वें नंबर पर है त्याज्यम न धैर्यम विधुरे अपि काले, यानी कि विपत्ति में भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। तो जो धीर पुरुष होते हैं वो क्या होते हैं, वो विपत्ति में भी धैर्य का त्याग नहीं करते हैं। 21 नंबर पर है पदम ही सर्वत्र गुणे निर्धीयते, यानी कि गुण स्वयं अपना सम्मानजनक स्थान बना लेते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण होते हैं उसे समाज में स्थान बनाने की जरूरत नहीं होती, उसका स्थान अपने आप समाज में बन जाता है। क्योंकि गुण क्या होते हैं, जैसे किसी भी
व्यक्ति के अंदर अगर गुण है तो वो अपने आप पता चल जाता है आसपास के लोगों को कि इस व्यक्ति के अंदर ये गुण है। इसके बाद 22 नंबर पर है ये जल बिंदु निपातनेन एवं घट पूर्यति। जल बिंदु निपातनेन एवं घटम पूर्यति, इसका मतलब क्या हुआ है दोस्तों? इसका मतलब है एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। और यही बात है कि आपकी जो पढ़ाई है वो हर दिन की पढ़ाई आपके बहुत काम आती है। आप अगर ये सोचो कि मेरा एग्जाम 2 महीने 3 महीने बाद है तब मैं पढ़ूंगा, जब 10 दिन बाकी रह जाएगा, तो उसमें आप कितने अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे? आपको पता है रात दिन आपको जगना पड़ेगा, फिर भी आपका कोर्स सही से नहीं पूरा पाएगा, आप सही से नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर रोज आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई को दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी पढ़ाई है ये आपको आगे चल करके भी काम आएगी। तो एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है, एक दिन की पढ़ाई आपको आगे चल करके जल्द से जल्द शिक्षक बनाएगी। तो बहुत जरूरी है कि हर दिन आप कुछ पढ़िए, कुछ सीखिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। 23 नंबर पर है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। एज ए टीचर, आप सभी लोग टीचर बनने जा रहे हो तो आप सभी लोगों को ये पता है कि विद्या धन क्या है? सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है। क्यों सर्वश्रेष्ठ धन है? क्योंकि जो विद्या रूपी धन है, ये हमारा जो धन है ना, ये हमारा कोई चुरा नहीं सकता हमसे। आपको पता है कि ये हमसे कोई ले नहीं सकता है। और जो ज्ञान हम बच्चों को देंगे वो बच्चों से भी कोई नहीं ले पाएगा। तो ये जो विद्या का धन है ये सबसे बड़ा धन है, सबसे धनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो जो ज्ञान हमारे पास है हम क्या करेंगे? उसको और फैला सकते हैं, लेकिन हमसे कोई हमारा ज्ञान, हमारे पैसे कोई चुरा सकता है, हमारे सामान कोई चुरा सकता है, लेकिन हमारा ज्ञान हमसे कोई नहीं चुरा सकता है। तो एक टीचर के लिए क्या ये बहुत गर्व की बात है? जो ज्ञान आपने ग्रहण किया है वो आप अपने बच्चों को दोगे और उसको फैलाओगे, लेकिन वह ज्ञान आपसे कोई चुरा नहीं पाएगा। फिर 24 नंबर पर है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी कि शरीर धर्म को साधने का माध्यम है। इसके बाद 25 नंबर पर है वीर भोग्या वसुंधरा, यानी कि यह पृथ्वी वीर पुरुषों के लिए ही भोगनीय है। इसके बाद 26 नंबर पर है पय पानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम, यानी कि सर्प को दूध पिलाना केवल उसका जहर बढ़ाने के समान है। अर्थात कुटुल व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं, अथवा अवगुणी के पास गुड़ भी दोष में बदल जाते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि इस तरीके से आप समझिए, अगर आप कीचड़ में पैर डालेंगे तो क्या होगा? आप ही का पैर गंदा होगा ना। वही बात यहाँ पर बताई गई है कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, कुटिल व्यक्ति होते हैं, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। तो जो अवगुणी होता है उसके पास गुण भी क्या होते हैं? दोष में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है। इसके बाद है यादृशी भवना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, इसका मतलब क्या हुआ? जो जैसी भावना रखता है उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप हो जाओगे। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने अंदर आप अच्छी भावना रखें, अच्छी सोच रखें। आपकी सोच अच्छी रहेगी तो आप अच्छा करेंगे अपने जीवन में। इसके बाद यहाँ पर ये तो आपको पता ही है कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवती, यानी कि पुत्र कपूत हो सकता है, पूत कपूत सुने हैं लेकिन माता नहीं कुमाता, ये आपने सुना ही है। तो पूत कपूत हो सकता है, पूत यानी कि पुत्र दुष्ट हो सकता है, नालायक निकल सकता है, लेकिन जो माता होती है वो कभी कुमाता नहीं होती, वो कभी बुरी नहीं होती है। इसके बाद 29 नंबर पर है महाजन येन गता सपंथा, यानी कि सज्जन लोग जिस रास्ते पर चलते हैं वही रास्ता क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ होता है, याद रखिएगा। इसके बाद 30वें नंबर पर है न ही ज्ञानेन सदेशम पवित्रम इह विद्यते, यानी कि ज्ञान के समान पवित्र वस्तु इस पृथ्वी पर और दूसरी है ही नहीं। तो जो काम आप कर रहे हो, जो आप आगे करोगे एज अ टीचर, वो बहुत अच्छा काम है। और ज्ञान के समान पवित्र वस्तु इस पूरी पृथ्वी पर कोई और नहीं है। तो जितना ज्ञान हो सके आप उतना ज्ञान अर्जित करें। तो इस तरीके से यहाँ पर आज हमने जो प्रमुख सूक्तियां हैं सभी सूक्तियों को पढ़ा, सभी को समझा। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी प्रशिक्षुओं को ये सूक्तियां अच्छे से मैंने समझाई, आपको समझ में भी आई होंगी। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की सभी वीडियोस को देख सकते हैं। सभी विषयों की फर्स्ट पेपर सचित्र मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध मैंने पूरा पढ़ा दिया है, सेकेंड पेपर समावेशी शिक्षा पूरा पढ़ा दिया है, थर्ड पेपर साइंस पूरा पढ़ा दिया है, संस्कृत भी आपका बिल्कुल खत्म ही होने वाला है, आपको पता ही है।
और मैक्सिमम चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ाई दी है संस्कृत में, आप लोग का हिंदी पूरा खत्म हो चुका है, मैक्सिमम सब्जेक्ट आपको खत्म हो चुके हैं, और आपको सभी विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। दोस्तों आप सभी विषयों की तैयारी करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम सॉल्व करा रहे हैं उनको भी करिए, और आपको सीरीज भी हम फिर से सॉल्व करवा देंगे। बहुत सारे प्रशिक्षु कह रहे हैं मैम एक बार फिर से करवा दीजिए, ऑलरेडी मैंने राजन और पवन सीरीज सॉल्व कराई है, लेकिन आप लोग फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं फिर से भी करा दूंगी ताकि आप लोग की तैयारी फिर से बहुत अच्छी हो सके। तो उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे, और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके सेकेंड सेमेस्टर में हमारे चैनल से पढ़ने पर लाभ हुआ है, अच्छे मार्क्स आपने पाए हैं, तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो वीडियोस अगली आती हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी प्रशिक्षुओं के पास समय से पहुंचे और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा दोस्तों। जय।